तो बेगूसराय में सदर अस्पताल से नवजात चोरी का सनसनीखेज एक मामला सामने आया है। दरअसल घटना सामने आते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। बच्चा चोरी होने के बाद से परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बेगूसराय सरकारी अस्पताल से नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया, जिससे परिजनों ने इसके बाद से जोरदार हंगामा भी किया। बच्चा चोरी करके ले जाती नजर आई है कुछ महिलाएं। सीसीटीवी फुटेज भी अब उसका सामने आ चुका है और इसके बाद से ही परिजन इस वक्त बेहद ही गुस्से में हैं और बच्चा चोरी करने को लेकर के अस्पताल प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा अस्पताल के हाथ में होती है जिस दौरान डिलीवरी होनी होती है, लेकिन ऐसे में जब यहाँ से खुलेआम कुछ महिलाएं जाती हैं अस्पताल में और बच्चा चुरा कर वो फरार हो जाती है, किसी को भनक तक नहीं लगती, तो इसको लेकर के परिजनों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया है। और साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर इस पूरे मामले को लेकर के अब प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है पुलिस प्रशासन की भी, हम आपको वो भी सुना देंगे। हम अपना वाइफ को फोन किए थे, ठीक है, तो हम बोले कि बच्चा खिलाया तो बोला कि नहीं दे रहा नर्स हुआ, ठीक है। हम भागे भागे अभी मुंगेर से आए, मुंगेर से हम भागे भागे आए, उसके बाद भागे भागे आए हैं तो उसके बाद बच्चा देख रहा हूँ कि नहीं है। अच्छा, तो उसीलिए हम हंगामा हंगामा कर रहे थे कि मेरा बच्चा चाहिए और कुछ हमको नहीं चाहिए। कितने बजे बच्चा? परिवार वालों का तो कहना है कि सही बात कहना है कि बच्चा हमारा अंदर में नहीं है, और जो दूसरी में सिस्टर हैं उनका कहना है कि उधर से वो मांग रही थी जो नंदनी का बच्चा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चा को दे दिया गया। उसके बाद फिर वो बच्चा कहाँ चला गया और इसमें गड़बड़ी ये है।